किशनगंज थाना अंतर्गत हरिभा उपाध्याय नगर स्थित आर्या हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वकील की मौत के बाद मचा बवाल। मृत वकील के परिजनों और जिला बार एसोसिएशन सहित रावत समाज के लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर किया उग्र प्रदर्शन। तीन थानों की पुलिस का जाप्ता सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। अजमेर के किशनगंज थाना अंतर्गत हरिभा उपाध्याय नगर स्थित आर्या हॉस्पिटल में बीती रात इलाज के दौरान एक वकील की मौत हो गई। सोमवार सुबह गुस्साए परिजनों, ग्रामीणों व जिला बार एसोसिएशन से संबद्ध वकीलों ने अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित, उप पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश सहित किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, आदर्शनगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार सहित अन्य थानों का जाप्ता मौके पर पहुंच गया और हालात को काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे परिजनों और वकीलों की मांग थी कि जब तक शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक वह शव नहीं लेंगे। साथ ही वकील के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। इन मांगों पर जब तक कोई सहमति नहीं बनती प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ और मृतक दिलबाग सिंह रावत के भाई का कहना था कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से वकील की मौत हुई है, लिहाजा अस्पताल प्रबंधन व दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 13 जून की रात बड़लिया सरपंच जय सिंह रावत के पुत्र दिलबाग सिंह रावत, जो कि वकील भी हैं, उनका मार्टेंडल ब्रिज के पास मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। बाद में वे सकुशल घर पहुंच गए, लेकिन सुबह कुछ तकलीफ होने के बाद वे खुद चलकर आर्या हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सीटी स्कैन करने के बाद सिर में एक छोटा सा क्लॉट बताया और चिकित्सकों ने उसे वहां एडमिट कर लिया। इसके बाद चिकित्सकों ने दिलबाग को बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक इंजेक्शन लगेगा उससे ही सही हो जाओगे। इंजेक्शन लगाने के बाद भी हालात सही नहीं हुए, जिसके बाद देर रात आनन फानन में अटेंडेंट से साइन कराकर उनका ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद दिलबाग की स्थिति और बिगड़ गई और उसे होश भी नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब परिजनों ने अचानक हुई मौत पर आपत्ति जताते हुए अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगाए तो अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। इसके बाद गांव के लोग एकत्रित हो गए और जिला बार एसोसिएशन से संबद्ध वकील भी अस्पताल पहुंच गए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे प्राइवेट अस्पतालों ने पैसों के लिए दुकान खोली हुई है, जहां विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में मरीज को भर्ती कर लेते हैं और मोटा बिल बनाने के बाद परिजनों को उसकी लाश पकड़ा दी जाती है। उन्होंने अपने स्तर पर अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें कई लोग इस अस्पताल की कार्यप्रणाली से खफा हैं। उनका कहना है कि 10-10 12-12 लाख रुपए लगाने के बाद भी उन्हें उनके मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा और न ही उसके हालात की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कमेटी बनाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दोपहर में अस्पताल प्रबंधन, परिजनों, वकीलों और पुलिस के बीच बैठकर हुई बातचीत में मुआवजे की राशि तय कर दी गई और मृतक दिलबाग सिंह रावत का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और मामला शांत हो गया। हमारे साथी अधिवक्ता दिलबाग सिंह रावत की 2-3 दिन पहले सड़क दुर्घटना हो गई थी। सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए थे। घायल होने के पश्चात वो अपने आप ही घर पे गए, रात को रेस्ट किए। सुबह उनको लगा कि तबीयत ठीक नहीं है तो ये आर्या हॉस्पिटल में आकर भर्ती कराया। आर्या हॉस्पिटल वाला जो है उनका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाया। उनको लगे कि स्थिति गंभीर थी तो केस को लेना ही नहीं चाहिए था और हायर हॉस्पिटल में जो है रेफ़र कर देना चाहिए था, मगर डॉक्टर साहब ने उनको रेफ़र नहीं किया और अपना इलाज उस पेशेंट का इलाज स्वयं ही करते रहे, जबकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हालात ख़राब है, नहीं डॉक्टर्स प्रॉपर है, नहीं नर्सेज स्टाफ प्रॉपर है, तो प्रॉपर इलाज पेशेंट का न्यूरो का काम था, सिर की बीमारी उसमें क्लोट लोट हो गया था। तो ये कह रहे हैं कि साहब उस नेचुरल डेथ थी उसकी चोट लगने की वजह से, तो हम कह रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम जो है मेडिकल बोर्ड से कराया जाए और डॉक्टरों की कहीं कहीं गलती रही है तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। हमारा साथी अधिवक्ता था, आज अधिवक्ता और राउत समाज के लोग सारे इकट्ठे हो रखे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की जो दुकानें इन्होंने शहर में खोल रखी है उनकी जांच होती रहनी चाहिए हर महीने, और प्रॉपर स्टाफ है या नहीं
इस बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए, एक विजिलेंस रहनी चाहिए हॉस्पिटल्स की भी, जो आकर चेक करता रहे। अभी 9-10 की लिस्ट हमारे पास आई है जिनकी 10 से 15 लाख के बिल बनाए हैं, उनकी स्थिति सभी की गंभीर है। किसी की डेथ हो गई, कोई आज बेड पे पड़ा है, प्रॉपर इलाज नहीं होने की वजह से वो ऑन बेड है। तो हम उनके भी लिस्ट जो है पता की, कई लोग बाग आए भी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे परिजन उन यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं ले पाए, तो उनके वीडियो भी वायरल हुए। तो ये सूर्या हॉस्पिटल जो है आर्या हॉस्पिटल, तो ये खतरनाक स्थिति में है, पेशेंट को मारने का काम कर रखा है इन्होंने। डेड बॉडी अभी हम लेंगे नहीं जब तक कोई निर्णय निष्कर्ष पर नहीं निकल जाते। ये आर्या हॉस्पिटल है और 13 तारीख को मेरे भाई दिलबाग सिंह रावत, जो पेशे से एडवोकेट है, और उनका एक्सीडेंट हो गया था जनतापुड़िया के आसपास। तो वो क्या, फिर एक्सीडेंट होने के बाद में अपनी बाइक खुद लेकर के घर चले गए आराम से, और सुबह तब उनको थोड़ी सी लगा कि मेरी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, वीकनेस, चक्कर आने लगे सिर की चोट की वजह से। तो वो सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए इलाज के एहतियात के तौर पर अजमेर आर्या हॉस्पिटल में आए। तो उस टाइम इन्होंने बोला कि भाई आपको जल्दी से जल्दी एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो भर्ती करवा दिया परिजनों ने, परिजनों ने भर्ती करवाने के बाद शाम तक इन्होंने किसी प्रकार की कोई गंभीरता या किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट या किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी परिजनों को। और शाम को सारे परिजन घर जाने के बाद केवल 2 जने बचे थे, जो केवल रात को यहाँ रुकने के हिसाब से स्टे किया था, उनको जबरन अंदर बुला करके बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उनको इतना डरा दिया कि मजबूरन उनको वो साइन करने पड़े और उसका हम भी बननी पड़ी, इनकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसके ऑपरेशन होने के बाद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और कल रात को उनकी डेथ हो गई है। इनसे हम बहुत आहत हैं और इनको डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया, इसलिए इनकी डेथ हो गई है। अब क्या मांग कर रहे हो आप? अब हमारा मांग है कि हमारे को जो पेशेंट है उसका मांग उसका न्याय दिया जाए, और जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं उनका सही इलाज करने के लिए प्रशासन से निवेदन है कि हॉस्पिटल को मैं भाई लगता हूँ।